निर्वाचन पूर्वरु नवीन को बड़ घोषणा मधुबाबू पेंशन योजना रे सहायता राशि वृद्धि कले राज्य सरकार भत्तारे 500 टंका वृद्धि एणिकी हिताधिकारी सर्वनिम्न सहायता मिल 1000 टंका चलित मासरो लागू हेबो वर्धित भत्ता। भुवनेश्वर में पहुंचला खलिकोट राणी सुज्ञान कुमारी देवंकर पार्थिव शरीर बीजेडी पार्टी ऑफिस रे श्रद्धांजलि जणाइले बहु नेता और विशिष्ट व्यक्ति आसंता काली खलिकोट रे हेबो शेषकृत्य। नवरंगपुर हाथीबेना डीएमके गांव में बार परिवार सामाजिक बासंद दुकानु सौदा मना सांस्कृतिक कार्यक्रम में हो पारना सामिल जिलापाल एवं एसपी को भेटी न्याय भिक्षा कले पीड़ित परिवार समाधान नहीं प्रशासन प्रतिश्रुति। स्मार्ट सिटी रो स्मार्ट लुटेरा विवाह मंडप को करुछंते टारगेट बरजात्री बेसरे आसुछंते सुजोग देखि गिफ्ट बैग धरी चंपट मारुछंते लुटेरा सीसीटीवी रे कैद लुटेरांक दृश्य। भुवनेश्वर रे गोटिए दिन रे दुई दुईटी लूट को नै बढ़िला टेंशन। श्रीमंदिर रे आज महाप्रभुंकर पद्मवेश बड़ सिंहार बेले पद्मवेशरे विभूषित हेबे चतुर्धा मूर्ति आसंता काली श्रीजूंकर दुर्लभ बेश दर्शन करिपारिबे भक्त। नमस्कार, मुँ तपन बुलेटिन आरंभ करिबा से दुखद खबरु। भुवनेश्वर रे खलिकोट राणी भी सुज्ञान कुमारी पार्थिव शरीर आसी पहुंची बीजेडी रो पार्टी कार्यालय रे शंख भवन रे वर्तमान तांकर शेष दर्शन करुछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एवं अन्य बीजेडी रो वरिष्ठ नेता और मंत्री माने। चेन्नई रु स्वतंत्र विमान जोगे भी सुज्ञान कुमारी देवंकर पार्थिव शरीर भुवनेश्वर विजु पटनायक विमान बंदर रे पहुंचिबा परे बीजेडी रो पार्टी ऑफिस शंख भवन को अणा जायतिला जेउठारे बीजेडी पार्टी ऑफिस रे दलर बहु नेता श्रद्धांजलि अर्पण करिछंती। परे परे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मध्ये पहुंची सुज्ञान कुमारी देवंकर पार्थिव शरीर रे पुष्पमाल्य अर्पण करिबा सहित राणी मां को श्रद्धांजलि जणाइथिले। सेठारु मर शरीर विधानसभा परिसर को नियाजिबार कार्यक्रम रही आउ शेष दर्शन करने राणी मां सबु दलर नेता भिड़ जमाई आसंता काली खलिकोट्र राणी सुज्ञान कुमारी देवंकर शेषकृत्य संपन्न करा। गतकाली चेन्नई में आखि बुझिथिले खलिकोट्र राणी वि सुज्ञान कुमारी देव 87 वर्ष बयस सुज्ञान कुमारी देहांत हो 10 थरर विधायिका भाव में निर्वाचित होते खलिकोट्र राणी भि सुज्ञान कुमारी देव से लोकंर सेवे निजक नियोजित कर रखि खलिकोट और कविसूर्यनगर आसन विजयी होते भि सुज्ञान कुमारी क्यारिययर उपर जदि आम नजर पकड़ जीवनशैली केमी रही केबे जन्म रही से संपर्क जदि टे नजर पक तेबे भि सुज्ञान कुमारी देव 1937 मसीहा अगस्ट 5 तारीख में जन्मग्रहण करते से थिले स्वर्गत पूर्णचंद्र मर्दराज देवंकर धर्मपत्नी। माड्रास विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर डिग्री से हासिल करिथिले एवं परे परे तांकर रुचि रहुतला इंटीरियर डिजाइन करिबा कार ड्राइविंग करिबा विभिन्न प्रसंगरे से लेखालेखी करिबाकु मध्य खूब पसंद करुथिले। राजनैतिक क्यारियर रे भारतीय जातीय कांग्रेस रु आरंभ करिथिले से निजर क्यारियर एवं परवर्ती समय रे आउ केबे पछकु फेरी से चाहि नथिले। 10 थर से विधायिका होइथिले एवं निजर जनतांकर राणी हिसाब रे से सबु बेले सेवा करी चालीथिले। अच्छा, परवर्ती खबर को आज इंडियन ओवरसीज बैंक 88 प्रतिष्ठा दिवस आउ यही दिवस को बेस आडंबर सहकारे पालन करिछि ब्रह्मपुर स्थित आंचलिक शाखा। देश में 3000 अधिक इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा रही और समस्त शाखा गुड़िक आज प्रतिष्ठा दिवस अवसर में विभिन्न कार्यक्रम हाथ को नहीं क्रम ब्रह्मपुर आंचलिक शाखा पक्षर एक सचेतनता शोभायात्रा अनुष्ठित होता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगान दे बैंक आंचलिक परिचालक शाखा परिचालकों समेत बैंक बहु कर्मचारी हाथ में प्लाकार्ड धरी सहर परिक्रमा करते अवसर में किभली ग्राहकों अधिक रु अधिक सुविधा सुजोग दि जापर ताक गुरुत्व दि जाता। हमारे बैंक का ये T8 फाउंडेशन डे है। इस फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में
अक्रॉस इंडिया हमारी टोटल 3,200 से ज़्यादा शाखाएँ हैं, 49 रीजनल ऑफिसेज हैं, सारे लोग मिलकर के आज फाउंडेशन डे को पूरे इंडिया में मना रहे हैं। फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में अलग अलग शाखाएँ, अलग अलग रीजनल ऑफिस अक्रॉस इंडिया, कहीं पे वाकाथन हो रहा है, कहीं पे मैराथन हो रहा है, कहीं पे ट्री प्लांटेशन है, कहीं पे सम सोशल कॉज के लिए एक्टिविटी हो रहा है, ये हम लोग मिलकर के करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। हमारे बैंक आज 88वां फाउंडेशन दिवस पालन करुच। आम बैंक 1937 मसीह फेब्रुवरी मस ये 10 तारिख रे हेतिला आउ कस्टमर मानकर भल पाइबा को नहीं आमर सदिच्छा पाई आज आम 88 वर्ष पर्यंत पदार्पण कलुणु आगुक आमको जबार अच्छी आहजोग आम कामना करूँ। नवरंगपुर में कंगारू शासन, रायघर थाना हाथीबेना डीएनके गाँव में बार परिवार सामाजिक बासंद होते आ दीर्घ 6 मास अधिक समय धरी ए बारोटी परिवार को बासंद कर ग्राम कमिटी। हाथीबेना डीएनके रे 50 अधिक वर्ष होब बसवास करुवा ए बारोटी परिवार निकटने केन्द्र सरकार कला बही और जमी पट्टा नथिबा बेले दिन मजुरिया भाव में कार्य करी परिवार प्रतिपोषण करी आसुथले, किंतु गाँवर केते जन प्रभावशाली व्यक्ति चापरे अतिष्ठ होई एबे बासहरा हेबाकु बसिछंती एही बार परिवार। ग्राम्य कमिटी कंगारू शासन में जमीरु बेदखल करिबार निर्देश न मानिबारु 6 मासरु ऊर्ध्व हेब सामाजिक बासंदर शिकार होइछंती एमाने। सामाजिक बासंद फल स्थानीय दोकानु सौदा किणवा पाणी आणवा छात्र छात्री को ट्यूशन एवं ग्रामर कौन सांस्कृतिक कार्यक्रम बाद पड़ी पीड़ित परिवार आई पीड़ित परिवार माने रायघर तहसील ब्लॉक समेत थानार द्वारस्थ भी होती कौन पदक्षेप न निजार पीड़ित परिवार जिलापाल एवं एसपी द्वारस्थ होगा सहित न्याय भिक्षा कर घटन दृढ़ कार्यानुष्ठान बोली प्रशासन पक्षर प्रतिश्रुति मिलता पीड़ित परिवार। आमर गाँव आमर बासिंदा करदे आमर कि नहीं गाँ लोक बर्तमान कौचे बोले जगह छाड़ हेले गाँ को सागर मिस आतीपाई लगे आम कलेक्टर बाबू सागर मिसाक आसती आसती ये आमर एसपी सार को सहित भेटापी आसते सार मैने कहले कि नाई आम तार कौ समस्या बोले अच्छी बोले आम गाँ को जाकिना आम तुम सब डिसाइड कर बासुंदा कर दिले मो गाँ लोक तीन चार जन मिसिकिना आउ कौन से दुकान पटे जाए थी से सामान दे ना आउ से कंप्लेन नेला से किसी कर कलेक्टर पत्र आसती आउ से ओडिशा अर्थनैतिक संघ एवं संबलपुर विश्वविद्यालय अर्थनीति विभाग मिलित आनुकूल्य 56वां वार्षिक सम्मेलन अनुष्ठित हो जाएछि। सम्मेलन में प्रधानमंत्री प्रमुख सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र मुख्य अतिथि भाव में जोग देते अनिश्चित दुनिया में स्थायी अभिवृद्धि बाट और ओडिशार सामाजिक क्षेत्र में उद्यमान प्रसंग विषय आलोचना करते भारत में ओडिशार अर्थनीति चलचंचल रही अर्थनीति क्षेत्र में आहुरी किभली विकास होने भारत सरकार उद्यम जारी रही जातीय अभिवृद्धि में ओडिशार योगदान रही इकोनोमिक ग्रोथ सप्लाई चेन जलवायु परिवर्तन अक्षय शक्ति एवं विश्वर प्रमुख प्रसंग थिबा बेले भारत सरकार समेत अन्य राज्यगुड़िक एबे काम करुछंती डॉक्टर प्रमोद मिश्र कहते सेपर आज संबलपुर विश्वविद्यालय स्वीट कैंपस 14वां वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि भाव में जोगदे सूचना और प्रजुक्ति विद्यार उपकारिता को छात्र छात्री को बुझाई देश किपर प्रजुक्ति विद्या जोगु आगो को बढ़ी चली छात्र छात्री को अवगत कराइले प्रधानमंत्री प्रजुक्ति विद्या को आगक नेवाई अनेक कार्य करुवा डॉक्टर प्रमोद मिश्र कहते गोटे भल इनिशिएटिव आजकल तो सब इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी डेवलपिंग वेरी फास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये सब तो इट्स ए वेरी गुड इनिशिएटिव होपफुली बहुत गुडे स्टूडेंट भी अच्छा दे आर ऑल वेरी एंथुसियास्टिक सो इट विल बी ए वेरी वेल नोन इंस्टीट्यूट इन द फ्यूचर। देखिए ये ओडिशा इकोनॉमिक एसोसिएशन का जो आज का कॉन्फ्रेंस है इसमें डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं आज भारत दुनिया का 5वां स्थान पे है इकोनॉमिक में। उनका कहना था कि 2047 तक ये विकसित भारत होगा मतलब नंबर एक कंट्री होगा और उसके लिए बहुत सारी इकोनॉमिक के अलावा नॉन इकोनॉमिक इश्यू के बारे में बताया कि सोशल डेवलपमेंट जो मोदी गवर्नमेंट अभी कर रही है कंट्री का रिफॉर्म जो उन्होंने किया है लास्ट 10 ईयर्स में उसके बारे में बताया।
प्रतीक्षार है अंत सोनपुर पुरी को गड़ा प्रथम ट्रेन भाव विहल हेले जात्री सफल है संग्राम दशंधि दशंधिर दाबी पूरण होइथिबारु जिलावासी भितर बेस उत्साह उभय राज्य और केन्द्र सरकार को धन्यवाद देइछन्ति लोके प्रतीक्षार है अंत सोनपुर पुरी गड़ा प्रथम ट्रेन खोर्धा बलांगीर रेल लाइन एक अंश होउछि सुवर्णपुर बलांगीर रेल लाइन ए प्रकल्प कार्य उभय पटु चलता बेले बलांगीर सोनपुर 50 किलोमीटर रेल लाइन निर्माण सरी परीक्षा निरीक्षा पर गत 3 तारीख में रेल लाइन और सोनपुर स्टेशन को भिसी माध्यम लोकार्पण करते प्रधानमंत्री लोकार्पण पर गुरुवार दिन पुरी रु सीधा सड़क प्रथम ट्रेन पहुंची सोनपुर स्टेशन ने सेपरि शुक्रवार संध्या सोनपुर पुरी को गड़ी प्रथम ट्रेन आहाकु नहीं उत्साहित जिलावासी और जात्री पुणि फेरवा से पूर्व खबर को से दुखद खबर जे खलिकोट राणी भी सिग्वान कुमारी देवंकर 87 वर्ष बयसरे देहांत होता बेले वर्तमान तांको पार्थिव शरीर विधानसभा परिसर भितर पहुंची प्रथमे बीजेडी रो पार्टी कार्यालय शंख भवन रे तांको समस्ते शेष दर्शन करथिले बीजेडी रो वरिष्ठ नेता और मंत्री मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मध्य शेष दर्शन करथिले वर्तमान विधानसभा परिसर भितर पहुंची खलिकोट राणी भी सुज्ञान कुमारी देवंकर पार्थिव शरीर जेउठारे तमाम नेता मंत्री विधायक एवं विधानसभा रे कार्य करूतवा समस्त कार्यकर्ता माने समस्ते सेठारे उपस्थित रहिछंती जो कर्मचारी रहिछंती विधानसभा रो नेता मंत्री समस्ते वरिष्ठ नेता माने मध्य तांकु शेष दर्शन करूछंती समस्त दलर विधायक नेता मंत्री समस्ते खलिकोट राणी शेष दर्शन करूछंती विधानसभा परिसर भितर विधानसभा परिसर भितर शेष दर्शन करने समस्ते अपेक्षा कर रही थे चेन्नई स्वतंत्र विमान जोगे भुवनेश्वर अंतर्जातीय विमान बंदर से आसी पहुंची खलिकोट राणी भी सिज्ञान कुमारी देवंकर पार्थिव शरीर एवं सेठारु सीधा सड़क तांकर पार्थिव शरीर को बीजेडी रो बीजेडी कार्यालय शंख भवन को निया जायतिला बीजेडी कार्यालय शंख भवन को निया जायतिला जेउठारे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को सहित बीजेडी रो तमाम वरिष्ठ नेता और मंत्री माने तांकर शेष दर्शन करथिले एवं वर्तमान आपण सीधा सड़क विधानसभा परिसर चित्र देखि पारुछंती जेउठारे कांग्रेस रो वरिष्ठ नेता सुर राउतराय मध्य खलिकोट राणी भी सुज्ञान कुमारी देवंकर शेष दर्शन करिछंती तमाम विरोधी दल नेता हूँ तमाम राजनैतिक दल नेता हूँ समस्ते वर्तमान विधानसभा परिसर भितर अपेक्षा कर रही थे खलिकोट राणी भी सुज्ञान कुमारी देवंकर शेष दर्शन करने शेष श्रद्धाजलि जना जा विधानसभा परिसर भितर दीर्घ समय धरी समस्ते अपेक्षा कर रही थे राणी पार्थिव शरीर केतबेले आसी पहुँचव भी सुज्ञान कुमारी देव 1973 मसीहा अगस्ट 5 तारीख में जन्मग्रहण करते तेज गत काली स्वास्थ्यावस्था अचानक बिगड़ी जाता चेन्नई स्थित आपोलो हॉस्पिटल रे तांकर चिकित्सा निमन्ते परिवार एवं प्रियजन माने तांकु तुरंत भर्ती कराइथिले एवं तांकर स्वास्थ्यावस्था आहुरी बिगड़बारे लागिथिला एवं खबर पहुंचीथिला मुख्यमंत्री कार्यालय एवं मुख्यमंत्री निकट रे वर्तमान आपण सीधासळक चित्र देखि पारुछंती विधानसभा परिसर भितर जेउठारे खलिकोट राणी भी सुज्ञान कुमारी देवंकर पार्थिव शरीर रखा जाइछि एवं तमाम शासक दलर नेता मंत्री विरोधी बीजेपी एवं कांग्रेस रो जो नेता मंत्री माने रहिछंती विधायक माने रहिछंती समस्त उपस्थित रहिछंती एवं खलिकोट राणी भी सुज्ञान कुमारी देवंकर शेष दर्शन करुछंती जेभली भाबरे मु कहुतली जे गतकाली खलिकोट राणी भी सुज्ञान कुमारी देवंकर स्वास्थ्यावस्था रे अचानक अवनति घटीथिला एवं आपोलो हॉस्पिटल रे तांकर चिकित्सा चलता समय तांकर स्वास्थ्य रे धीरे धीरे अवनति घटिबा आरंभ होइथिला एवं तांकर स्वास्थ्यावस्था खराब रही जाणि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तुरंत संध्या समय रे ही चेन्नई को गस्त करथिले एवं चेन्नई ठारे आपोलो हॉस्पिटल रे मुख्यमंत्री पहुंचीबा सहित सेठारे तांकर परिवार लोकों सहित आलोचना करथिले एवं सांगरे रहिथिले 5T ओ नवीन ओडिसा अध्यक्ष भी कार्तिक पांड्यान एवं तांकर सहित परिवार लोकों सहित से आलोचना करथिले यथासंभव मेडिकल चिकित्सा एवं सुविधा तांकर परिवार को जगाय दिया जिबा सहित भी सुज्ञान कुमारी चिकित्सा रे जेमिति कोनोसी उणा न रही जाऊ सेतिप्रति दृष्टि देबाकू मुख्यमंत्री आपोलो हॉस्पिटल कर्तृपक्ष सहित आलोचना करथिले एवं निर्देश देथिले एवं विधि विधान किछि अलगा ही थिला समस्ते आशा करी रही थिले जे भी सुज्ञान कुमारी देवंकर चिकित्सा जे भली ढंग रे करा जाउछि तांकर स्वास्थ्यावस्था रे उन्नति घटिबो किंतु
विधिर विधान किछि अलगा ही थिला। तांकर स्वास्थ्यावस्था रे धीरे धीरे अवनति घटिथिला एवं शेषरे से शेष निश्वास त्याग करिथिले। तेबे घटना घटिबा परे तमाम जातीय स्तर नेता मंत्री मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मध्ये शोक प्रकाश करिथिले। भि सुज्ञान कुमारी देव 1937 मसीहा अगस्त 5 तारिखरे जन्मग्रहण करिथिले। से विभिन्न क्षेत्र में निजर पारदर्शिता देखाइथिबा बेले से हेउछन्ति स्वर्गत पूर्णचंद्र मर्दराज देवंकर धर्मपत्नी। माड्रास विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करिथिले। एहा सहित 1961 2009 पर्यंत से खलिकोट अधिकांश समय पर्यंत विधायिका मध्य रहिथिले एवं लोकंक सेवारे निजको नियोजित करिथिले। समय हुई एक छोट ब्रेक ब्रेक पर देखा कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। सरीला विधानसभा एवं निर्वाचन मंडली मुहा नेता हाथ में कम समय थिबारु बूथ उपर फोकस रेकर्ड करिबा लक्ष्य रे आगौछि शासक दल। मोदी गस्त पर आक्टिव मोड रे पद्म कैंप कांग्रेस भी चलाइछि ग्राउंड होमवर्क। कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। यू कैन इग्नोर दिस ऐड। 12,000 निजुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो बोली आशा करा जाउची। 22 जनवरी राज्य कैबिनेट बैठक रे प्रस्ताव को कैबिनेट मोहर मारिथिला जहार प्रथम पदक्षेप स्वरूप एमओयू स्वाक्षरित होईची। ए अवसर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सह सहित शिल्पमंत्री प्रताप केशरी देव मुख्य शासन सचिव प्रदीप कुमार जेना शिल्प विभाग प्रमुख शासन सचिव हेमंत कुमार शर्मा प्रमुख उपस्थित थे। संबलपुर बलवसपुर हीराकुद डाइक निकट में महिला अर्धदग्ध मृतदेह उद्धार कई हत्या पर पोड़ा चेष्टा कर सन्देह पुलिस को खबर देले स्थानीय लोक एवं पुलिस पहुंची तनाघना जारी रखी। महिला परिचय कौन महिला मृतदेह पोड़ा कहीं चेष्टा कर अस्पष्ट रही हत्या करा केउठु आनी एठारे पोड़ा चेष्टा कर तदंत चल पुलिस। अव्यवहूत कूरू महिला मृतदेह उद्धार सुवर्णपुर जिला वीर महाराजपुर थाना हिंगु गांव में घटी अघटन मृतक होंगु गांवर शोभा भोई तेज से गत सन्धार निखोज थे पर लोके खोजाखोजी करुले भी कौन सूचना मिल पार गांव के निकट में एक अव्यवहूत कूर मृतदेह भासुवा किसी लोक देखा पाई आने पुलिस को खबर देवारु पुलिस घटनास्थल में पहुंची अग्निशम बाहिनी साहाज्य मृतदेह उद्धार कर चिन्हट कर पुलिस यह घटनार अधिक तदंत करुवा सूचना मिली। कर्मचारी खुशी खबर बढ़ला ईपीएफ सुधहार कर्मचारी भविष्य निधि पांठि सुधहार वृद्धि ने घोषणा कर ईपीएफओ सुधहार 8.15 रु बढ़ी 8.25% करृद्धि नहीं सीबीटी रे सूचना फल लक्ष लक्ष कर्मचारी उपकृत हेबे। विगत 3 वर्ष रे एहा सर्वाधिक सुधहार ईपीएफ रो सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एही निष्पत्ति नेछि। 2021-22 सुधहार 8.1% थिबा बेले 2022-23 रे 8.15% और 2023-24 रे एहाकु वृद्धि करी 8.25% करा जायछि। निर्वाचन पाखे आसुता बेले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बड़ घोषणा करिछन्ति मधुबाबु पेंशन योजनार सहायता राशि 500 टंका वृद्धि करा जायछि। अर्थात मधुबाबु पेंशन योजना रे एबे हिताधिकारी सर्वनिम्न 1,000 टंका मासिक पाइबे। एहा सहित फेब्रुवारी 20-25 तारीख मध्यरे हिताधिकारी माने वर्धित पेंशन पाइबे। एने राज्य सरकार 3,683 कोटि टंका खर्च करिवे। पूर्वरु ए योजना रे हिताधिकारी माने यथाक्रमे 500 700 और 900 टंका पाउथले वर्धित पेंशन अनुसारी सेमाने एबे यथाक्रमे 1000 टंका 1200 ओ 1400 विधानसभा रे हेले बड़ कसाकसी आउ एबे ग्राउंड रे लढ़ई 24 निर्वाचन लड़ई पाई हाथ में खूब कम समय ताकु नहीं एवं गाँ मुहां हेले नेता
सरिला विधानसभा एवं निर्वाचन मंडली महानेता निर्वाचन पर बेल पाखे आसला हाथ में कम समय थिबा बूथ वार्ड पंचायत उपर फोकस करिछि बिजेडी 2019 तुलन रे एथर किभली अधिक सीट हातेइ बदल सेथिपाई गाँ गाँ रे संगठन सजाड़े लगी शासक दल नेता अधिकांश स्थान रे बिजेडी नेता कैंपेन भी आरंभ कर दलय विधायक नृसिंह साहू कहते बिजेडी नेता माने बहु पूर्वर ग्राउंड अच्छा लोक माने मध्य बिजेडी सपक्ष रे केऊ नेतांकर विजय संभावना अधिक ताकु आधार करी टिकट दिया जिवो ए समय बहुत दलर के क्वाड आसीबो के जिवो ए फ्रॉम ये होजी बेळ तने तरे कोइ होवनी किंतु बिजु जनता दल रो जा प्रभाव अछि जे लोकप्रियता अछि जा जन समर्थन अछि एवं माननीय मुख्यमंत्री सुत नवीन पटनायक जो इमेज अछि अन्यपटे बीजेपी मध्य ग्राउंड प्लान आरंभ कर देछि विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबलपुर गस्त पर आक्टिव मोड रे पद्म क्या गाँ गाँ रे बीजेपी सांसद विधायक और वरिष्ठ नेता माने निर्वाचनी प्रचार आरंभ कर देछंती कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकिम कहिछंती विधानसभा सरिला एबे मैदान मुहा दलीय नेता लोकंक पाखकु जाउछंती बीजेडी कि बीजेपी नुहे कांग्रेस ही एथर विकल्प बोली लोकंकु संदेश देबे कांग्रेस नेता ये प्रभारी दायित्व नेला परटु समस्तंकु विधानसभा में जो कन्सेंसस वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिछंती समस्त काम आरंभ कर दिछंती एवं वर्तमान आउ जो रहिला 70 दिन आम हाथ में इलेक्शन को तापे जोरदार कार्यक्रम करा जीवो ओडिया लोकंक पई ओडिसा रे स्थान नै सी कथा नहीं कि आम लोक जीवु जो आज रिजल्ट आसुची से भारतीय जनता पार्टी सपक्ष में जाऊँगी आगामी दिन में ओडिशा रे डबल इंजन सरकार हम ए प्रकार संकेत मिललाँ सरकार एथर निर्वाचन पराजित हे एवं ओडिशा रे जो दुर्नीति भ्रष्टाचार अन्याय अनति चलती तार अंत हम आग को बड़ लड़े से बीजेपी बीजेडी एवं कांग्रेस नेता एवं गाँ मुहा निज निज सपक्ष में भोटर को नेबापाई आरंभ कर रणनीति भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन आशीष दास मानस पटनायक चितन स्वाई सुमंत सुंदर राय महेश प्रसाद नंद एवं दुष्मंत बेहरा न्यूज 18 ओडिया प्रतीक्षार है अंत सोनपुर पुरी को गड़ा प्रथम ट्रेन आउ भाव विहल हेले यात्री सफल हेला संग्राम दशंधि दशंधि दाबी पूरण हो जिलावासी भितर एवं बेस उत्साह उभय राज्य और केन्द्र सरकार को धन्यवाद देते लोके प्रतीक्षार है अंत सोनपुर पुरी गड़ा प्रथम ट्रेन खोर्धा बलांगीर रेल लाइन एक अंश हो सुवर्णपुर बलांगीर रेल लाइन ए प्रकल्पर कार्य उभय पटु चलता बेले बलांगीर सोनपुर 50 किलोमीटर रेल लाइन निर्माण सरी परीक्षा निरीक्षा पर गत 3 तारीख में रेल लाइन और सोनपुर स्टेशन को भिसी माध्यम लोकार्पण करते प्रधानमंत्री लोकार्पण पर गुरुवार दिन पुरी सीधासलख प्रथम ट्रेन पहुंची सोनपुर स्टेशन ने सेपरी शुक्रवार संध्या रे सोनपुर रु पुरी को गड़ी प्रथम ट्रेन आउ जहाँ को नहीं उत्साहित जिलावासी और जात्री आज बहुत खुशी लगुच आउ दीर्घ दिन छोट दिन आम मान स्वप्न थिला माने सोनपुर रु ट्रेन गड़ीबा किंतु आज सफल आउ आमे मध्य समस्त आम फैमिली समस्ते पुरी यात्रा करू छु एक्साइटेड छु आमे जिबा पई मो पु भी बहुत एक्साइटेड अछि आमे आज सोनपुर रु पुरी को जाउ छु आज आम मैरेज एनिवर्सरी आज दिन में पहला थर जाऊ ट्रेन भी चलु पहला थर से बहुत बहुत धन्यवाद मोदी को सुवर्णपुर बौद्ध को रेल लाइन काम क्षिप्र गति में चलता बेले सोनपुर स्टेशन रेल सेवा आरंभ हो ट्रेन ने बहु यात्री प्रथम थर जात्रा करुवा देखा मिली प्रथम करी पुरी को जाऊवा जात्री निजर अनुभूति कहते यह एक स्मृति भाव में साइति रखा क्रियानुष्ठान कमिटर सदस्य माने मध्य यात्रा कर आमर तो बहुत अपेक्षा थी ट्रेन केवे चलवा आम रास्ता देकर चली
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁହଁଟା ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କେ ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂର୍ବ ଆଡ଼କେ ଯେନ୍ଦିନ ଯାଇପାରମା, ଯେନ୍ଦିନ ପୁରା ରିଏଲ୍ ତାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସୂତ୍ରରେ ଲାଗ୍ବା, ସେଟା ଆମକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆମର। ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମର ଇନୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲିଲା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଥିଲୁ, ବସିଲେ ବି ଯେହେତୁ ଆମର ଗାଁରୁ ଚାଲୁଛେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆମର ଲାଗି ପବ୍ଲିକ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଇ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯଦି ସବୁଦିନ ପାତାଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପୁରୀ ଚଲ୍ତା ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ବହୁ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପରେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବାନ ପୁରୋହିତ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।